जय मित्रों, मैं जीटीसी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं आपके सामने पहला वीडियो प्रेस कर रहा हूँ। ये वीडियो विषय हिंदी पुस्तक गोधूलि का 12वां चैप्टर है, जिसका नाम शिक्षा और संस्कृति है, जिसके रचनाकार महात्मा गांधी हैं। इस वीडियो में केवल हम सिर्फ लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे, जिसके रचनाकार हैं महात्मा गांधी। उनके जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है पुस्तक में, वो सभी को हम लोग जानेंगे आज। तो चलिए बिना देर करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। शिक्षा संस्कृति पाठ गोधूलि के गद्य खंड का 12वां पाठ है, क्लास 10th के लिए। इसका रचनाकार महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का संक्षिप्त परिचय के रूप में इस पुस्तक में दर्शाया गया है। इसमें महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, जो गुजरात में है, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। उनके जन्म दिवस को गांधी जयंती और अहिंसा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इन्हें बापू और राष्ट्रपिता और अर्धनंगा फकीर कहकर भी पुकारा जाता है। इनका बचपन का नाम मोहनदास सिर्फ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिताजी का नाम सिर्फ करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतली बाई था। इनके माता का नाम पुतली बाई। इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिनसे इनका विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था। उस समय गांधी जी का उम्र मात्र केवल लगभग 14 वर्ष का था। अर्थात महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से केवल 14 साल की उम्र में हुआ था। कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता के संग्राम में गांधी जी के साथ संपूर्णता साथ दी, अर्थात कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी गए थे 1893 ईस्वी में। अर्थात 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी कानून पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका ये स्टडी के लिए, कानून के स्टडी के लिए गए। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के जाने के पश्चात वह दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे और एक्चुअली लंदन जो पढ़ाई करने के लिए, सॉरी लंदन पढ़ाई करने के लिए वह 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में गए थे। लंदन पढ़ाई के लिए लंदन या गए कि वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में। वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में और दक्षिण अफ्रीका
गांधी जी गए थे 1893 ईस्वी को और वहाँ से लौटे दिसंबर 1914 को, सॉरी दिसंबर 1914 तक वहीं रहे और लौटे वहाँ से जनवरी 1915 में। इसीलिए अगर पूछेगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे तो 1915 हो जाएगा, और कब से कब तक रहे तो 1893 से लेकर के 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का जीवन है ना व्यतीत किए। इस प्रकार से और उनके पुत्र के बारे में से कहा जाता है कि उनके तीन पुत्र हैं, तीन पुत्र थे जिनका नाम हरेलाल गांधी, टाइटल में लोग ऐसे गांधी लगता है, हरेलाल गांधी, देवदास गांधी और रामदास गांधी। तो तीनों इनके पुत्र थे और मुख्य रूप से सभी लोग दक्षिण अफ्रीका में शिफ्ट हैं क्योंकि इनका से देखा जाए तो राष्ट्र के आज़ादी में या कहीं देश अर्थात भारत के आज़ादी में संपूर्णता योगदान रहा। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार पूछा जाता है कि गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या था, तो गांधी जी का जो सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा और सत्य सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था। अर्थात ये मानते थे कि लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा नहीं है, है ना, सत्य से चलना चाहिए और लड़ाई मारपीट करने से कोई फायदा नहीं है, मतलब ये अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के पुजारी किन्हें कहा जाता है, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा या कह सत्याग्रह और अहिंसा का, सत्याग्रह अहिंसा इनका सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने भारत के लिए बहुत सारा योगदान दिए हैं, इसे देखा जाए तो भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए स्वदेशी का नारा दिए, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाए, छुआछूत को हटाने का पूर्णतः प्रयास किए, उच्च नीच जाति का भेदभाव को मिटाने का प्रयास किए। इस तरह से देखिए तो संपूर्णतः अर्धतः अंत में अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाई। इस तरह से अगर देखते हैं तो गांधी जी का इस राष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए लोग इन्हें बापू और राष्ट्रपिता भी कहकर पुकारते हैं। एक बात और बताई इसमें कि गांधी जी को सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था, तब से इन्हें महात्मा गांधी कहा जाने लगा। तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया। गांधी जी ने हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरा प्रयोग नामक पुस्तक भी लिखे, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये उनका पुस्तक है। और उन्होंने दो पत्रिका लिखी। तो गांधी जी के द्वारा हम दो पुस्तक की बात कर रहे थे जिसमें गांधी जी ने हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरा प्रयोग नामक दोनों पुस्तक लिखा, यह कहिए कि हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये दोनों पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखा गया। और दो पत्रिका गांधी जी का लिखा, गांधी द्वारा लिखा गया दो पत्रिका है जिसमें एक हिंद, इसमें एक पत्रिका का नाम है हरिजन, दूसरा पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। अर्थात हरिजन और यंग इंडिया गांधी जी द्वारा लिखा गया पत्रिका, तो पूछे गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रिका का नाम क्या बताइए, हरिजन और हिंद, सॉरी हरिजन और यंग इंडिया, ये दोनों गांधी जी की पत्रिका है। वैसे गांधी जी का पूरा जीवन जो था राष्ट्र के प्रति समर्पित था और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। अंग्रेजों के खिलाफ पहला प्रयोग किसने किया था, महात्मा गांधी ने। इस प्रकार से लीजिएगा ये जो पाठ आप पढ़िएगा
कि पाठ की जो प्रकृतिक है वो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र जैसे कि आपको गुरु पर लिखा गया है ना, अर्थात ये पाठ की विधा का है तो शिक्षा शास्त्र है इनका। ऐसे गांधी जी का, महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था, 3 जनवरी 1948 को हुआ था। एक सिर फिरे गांधी या कहे एक सिर फिरे व्यक्ति जिसका नाम था नाथूराम के द्वारा इनका मृत्यु हुआ था और शाम संध्या 5 बजे के आसपास हुआ था ना, और दिल्ली में हुआ था गांधी की मृत्यु, दिल्ली में नाथूराम के द्वारा 1948 यानी कि 3 जनवरी 1948 को हुआ था। एक सिर फिरे व्यक्ति नाथूराम के द्वारा 3 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गांधी जी का मृत्यु हुआ था। बाकी के बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।